तो भाई मैं आया था वाराणसी घूमने के लिए एंड मेरा जो फ़ोन है वो बहुत ही गंदे तरीके से अभी कुछ दिन पहले ही गिर गया एंड पूरा टूट गया था। एंड वैसे भी मुझे परचेज़ किए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। मैं यूज़ कर रहा था वन प्लस का 5T एंड अब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑनलाइन कोई फ़ोन मंगाऊं, फिर उसका आने का वेट करूं, फिर उसके बाद यूज़ करूं। तो मैं सोचा क्यों ना यहाँ पे बाहर निकला जाए एंड चेक किया जाए ऑफलाइन मार्केट्स में कौन से फ़ोन अवेलेबल हैं एंड क्या कुछ सीन है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो, बेसिकली ये एक मिक्स्ड कॉन्टेंट होने वाला है। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ स्पेशली वाराणसी में काफ़ी सारे स्टोर्स हैं एंड एक चीज़ मैंने नोटिस किया है, जितने भी बड़े सिटीज़ हैं ना, जैसे मैं रहता हूँ मुंबई में, तो वहाँ पे कैसा है ना, जितने भी बड़े फ्रेंचाइजी हैं उनके आपको स्टोर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जैसा कि क्रोमा हो गया, विजय सेल्स हो गया, या फिर अपना रिलायंस डिजिटल हो गया, और दूसरे जो कंपनीज़ के खुद के शोरूम्स होते हैं वो भी काफ़ी सारे रहते हैं, जैसा सैमसंग, एप्पल, वीवो, ओप्पो, रेडमी, वन प्लस। बट यहाँ पे वाराणसी में मतलब लोग जो है वो अपना खुद का शॉप स्टार्ट कर देते हैं एंड उसके बाद में वो डिफरेंट जितने भी ब्रांड्स हैं उनको सेल करते हैं। और एक बहुत ही बढ़िया चीज़ ये था कि यहाँ पे आपको कुछ ऐसे भी फ़ोन्स देखने को मिलेंगे जो कंपनी ने लॉन्च किया है सिर्फ ऑनलाइन, मगर वो यहाँ पे ऑफलाइन भी मिल रहा है और कुछ एक्स्ट्रा प्राइस भी पे नहीं करना पड़ रहा है। तो अब बात आती है कि मैंने फ़ोन कौन सा लिया। तो मैंने परचेज़ किया है एप्पल का आईफोन XR। अब देखो मुझे पता है आप लोग बोलोगे अरे इससे अच्छा तो वो फ़ोन था, वो क्यों नहीं लिया। तो इस रेंज में आपको सैमसंग का S10 प्लस देखने को मिल जाता है, हुआवे का P30 देखने को मिल जाता है, पिक्सल का 3 XL देखने को मिल जाता है एंड अभी कुछ दिन में ही वन प्लस का जो 7 सीरीज़ है वो लॉन्च होने वाला है। और वो सारे फ़ोन्स इससे काफ़ी बेटर भी है, ये मैं 100% अग्री करता हूँ। बट देखो मैं ना एप्पल के दूसरे काफ़ी सारे डिवाइसेस यूज़ करता हूँ एंड इवन मेरे घर में भी काफ़ी सारे लोगों के पास आईफोन्स है, तो इससे क्या होगा पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा एंड कुछ भी शेयर करना हो तो काफ़ी इजी रहता है। और मैं बहुत ही कम एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं गेम्स खेलता हूँ या फिर मैं फ़ोटोज़ निकालता हूँ कि मुझे बहुत ही बढ़िया फ़ोन चाहिए। बट मेरे ध्यान में पहले से था कि हाँ इस बार आईफोन लेना है, बट मैं सोचा बाहर चल के देखते हैं एंड मैंने अब ये फ़ोन ले लिया है। एंड एक और चीज़, बहुत ही जल्द मैं एक एंड्रॉयड फ़ोन भी लेने वाला हूँ, क्योंकि अभी ये जो फ़ोन है ये मेरा पर्सनल फ़ोन रहेगा, इसमें मेरे फ्रेंड्स, फैमिली और जो भी लोग हैं उनसे मतलब मेरा बातचीत होगा एंड दूसरा फ़ोन रहेगा एक एंड्रॉयड जितने भी ब्रांड्स हैं उनके लिए, क्योंकि अभी भाई थोड़ा बढ़ रहा है तो सब कुछ लेना पड़ेगा। तो हो सकता है कि मैं वन प्लस का 7 सीरीज़ में से कोई ले लूँ या फिर देखते हैं आगे जो भी रहेगा, मैं आप लोगों को अपडेट करूँगा। तो एंड में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप बाहर निकल के देखना चाहते हो कोई फ़ोन तो एक बार ज़रूर देखिए, क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं एंड आपके सिटीज़ में क्या इतने सारे ऑप्शंस हैं जितने मैंने आपको बताया कि वाराणसी में। तो कमेंट करना और अगर वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, मेरा यूज़र नेम है @ADKMinds। तो चलो मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी अच्छे वीडियो के साथ में। थैंक यू।